Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic of our discussion is going to be about the dorsalis pedis artery. ये एक important artery है lower limb की, और यहाँ पर आपको जो structure yellow color के अंदर show हो रहा है ना, ये dorsalis pedis artery है। अच्छा, इसकी branches देखने से पहले इसकी introduction के लिए जो कुछ important point है वो यही है कि जो artery है ना, ये chief palpable artery है हमारे पास lower limb के अंदर। अगर हमने palpate करना हो artery को, तो ये easily palpable है। और जो पेशेंट होते हैं जिनके पास वैसोक्लोसिव डिज़ीज़ होती है लोअर लिम की, तो उनके अंदर ये पेशेंट के अंदर, उन्हीं के अंदर ये पैल्पेट की जाती है, ठीक है। और हम इसके बारे में देख लेते हैं कि एक ब्रांच किसकी है और आगे इसकी टर्मिनल ब्रांचेस क्या हैं। ख़ुद किसकी ब्रांच है जी, ये एंटेरियर टिबियल आर्टरी आ रही है, जो कि एंटेरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की ना सॉरी एंटेरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच थी, एक इम्पोर्टेंट आर्टरी थी। उसके बाद ये आगे उसकी कंटिन्यूएशन है, और फिर ये आगे जाके डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर जा रही है, जिसमें इसकी मीडियल ब्रांचेस हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं, फिर ये आर्कुएट आर्टरी में जाती है, फिर ये जो है ना हमारे पास फर्स्ट टो है उसकी भी मीडियल साइड को भी, लेटरल साइड को भी, इस तरह जो बाकी मेटाटार्सल बोन्स हैं उनके ऊपर भी आर्कुएट आर्टरी की फॉर्म के अंदर ब्रांचेस बनाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसकी बिगिनिंग क्या होती है जी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो बोन है ना, ये जो बोन्स के बिल्कुल इन फ्रंट पे बन रही है, जो हमारा ये जॉइंट बना हुआ ना, ये टिबिया के दरमियान में, और ये नेविकुलर है और टेलस है, ये जो बोन्स हैं इनके दरमियान में, यहाँ पे जो जॉइंट बनता है यानी कि एंकल जॉइंट जो है ना, यहाँ पे ये बोन जो है ना आर्टरी स्टार्ट हो रही है। और फिर जैसे ही फर्दर हम आगे मूव करते हैं, तो ये नेविकुलर बोन जो है ना, ये वाली जो नेविकुलर बोन है, यहाँ पर आके ये अपनी जो ब्रांचेज है वो देने लग जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसकी ब्रांचेज क्या हैं जी। इसके बारे में ये बात आपने याद रखनी है कि ये एंकल जॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद आगे आ रही है, और जैसे जैसे ये आगे आती जाती है, तो ये अपना ना जर्नी है थोड़ा मीडियल साइड ऑफ द फुट की तरफ कन्वर्ट करती जाती है। और जैसे ही ये पहुंचती है ना पहली इंटर मेटाटार्सल स्पेस पे, या फिर आप कह लें यहाँ पे डोर्सल इंट्रोशियाई मसल होते हैं उसके हेड्स के दरमियान में जैसे पहुँचती है, तो वहाँ पर ये अपना जर्नी टूअर्ड द डाउनवर्ड यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट कर देती है। आपको ये नज़र आ रही, यहाँ पर नज़र भी आ रही होगी, तो ये नीचे चली जाती है, और नीचे जाके ये आगे प्लांटर आर्टीरियल आर्च को कंप्लीट करती है। तो हम इसकी सुपरफिशियल ब्रांचेज देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसकी ऊपर कौन सी ब्रांचेज हैं और नीचे इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि इसकी ब्रांचेज कौन सी हैं। ये जो नेविकुलर बोन है ना, इसके ऊपर जो ये जो नेविकुलर बोन, ये वाली राइट दिस बोन, इसके ऊपर जो इसकी ब्रांच आ रही है, ये बड़ी वाली एक लंबी सी ब्रांच आ रही है, ये इसकी लेटरल टार्सल आर्टरी है। और ये जो मीडियल टार्सल आर्टरी आपको छोटी छोटी ये साइड के ऊपर ये और ये वाली जो है ना नज़र आ रही है, ये इनसे बहुत ज़्यादा एविडेंटली बड़ी है, ठीक है। तो ये इससे बड़ी है, ये पास करती है डीप टू यहाँ पे ना, यहाँ पे राइट दिस साइड के ऊपर, मैं ज़रा आपको शो कर दूँ मसल, ये मसल्स का पूरा एक नेटवर्क शो हो गया जी। ये जो मसल है ना, इसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस मसल, ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है। ये जो मसल है ये यहाँ से अराइज कर रहा है और इंसर्ट हो रहा है टेंडन्स के नीचे जाके इन फेलेंजेस के ऊपर, और ये प्रोक्सिमल फेलेंजेस के ऊपर जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने देखा था कि ये हमारी आर्टरी थी ना, ये वाली थी जो नेविकुलर के ऊपर स्टार्ट हो रही थी, ये इसकी जो लेटरल ब्रांच है ना, ये इस मसल के डीप भी जा रही है और इसको जाके सप्लाई भी कर रही है, ठीक है, ये इसको जाके सप्लाई भी कर रही है। और ये रहा पहला वो डोर्सल इंट्रोशियाई मसल, जिसके ऊपर जहाँ पर जिसकी प्रोक्सिमल पॉइंट के ऊपर उसके दो हेड के दरमियान में इसने डिप करके फुट के अंदर चले जाना है, यानी कि सोल ऑफ फुट की तरफ चले जाना है। ये हमने देख लिया कि ये जाके उस मसल को भी सप्लाई कर रही थी एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को, और बाकी इसने यहाँ पे इस साइड के ऊपर जाना है और जाके इसने टार्सल जॉइंट को भी सप्लाई करना है, और एट द एंड इसने एनास्टमोस बना लेना है और जाके इसने एंड कर जाना है लेटरल मेल्युलर नेटवर्क के साथ, क्योंकि यहाँ पे लेटरल मेल्युलस है टिबिया, ये फिब्यूला वाली साइड के ऊपर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं मीडियल ब्रांचेज की तरफ। जो इसकी मीडियल टार्सल ब्रांचेज होती हैं वो दो हो सकती हैं या तीन हो सकती हैं, ये वेरी करती हैं, ठीक है, दो से तीन हो सकती हैं। और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने भी जो आपके पास मीडियल मेल्युलर नेटवर्क है उसके अंदर जाके एंड हो जाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आर्केट आर्टरी वो क्या है। यहाँ पर ये आपको लार्ज आर्केट शेप, ये इंटरेस्टिंग सी आर्टरी नज़र आ रही है ना दूर से ही, ये है आर्केट आर्टरी, ये इसकी आर्केट ब्रांच है, और ये बहुत बड़ी एक ब्रांच है जो कि अराइज कर रही है। जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन है ना, ये तीन क्यूनिफॉर्म बोन पड़ी है, ये नेविकुलर बोन जो ये वाली नेविकुलर बोन है ना,
इसके ये बिल्कुल सामने जो पड़ी हुई है एक यूनिफॉर्म बोन है, ये मीडियल है, ये इंटरमीडिएट है और ये लेटरल है, और यहाँ पे एक क्यूबॉइड बोन पड़ी हुई है। और अब हम देखते हैं कि जो मीडियल नेवी कलर है ना उसके बिल्कुल ये अपोजिट, ये मीडियल नेवी कलर है, यहाँ पे इसके अपोजिट जाके ना ये वाली जो आर्टरी है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, ये अपनी ब्रांच बना रही है, आर्केट आर्टरी है जो कि लार्ज ब्रांच है, और ये रन लेटरली कर रही है, यानी कि पहले इसके ऊपर आ रही है, फिर इसके ऊपर जा रही है, फिर इसके ऊपर जा रही है, तो ये एक लेटरल जर्नी कर रही है, लेटरल साइड के ऊपर जा रही है आपके पास इन मेटाकार्प इन मेटाटार्सल की जो है ना प्रोक्सीमल एंडिंग्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे अब ये क्या करेगी, यहाँ से टेंडन्स पास कर रहे होते हैं, यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टेंडन पास करते हैं। ये देखें तो यहाँ पे जो दो मसल मेली जो टेंडन है ना यहाँ पे, वो दो मसल्स के पास करते हैं, एक एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है जी, ये है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है जो कि अपना ओरिजिन टिबिया फिब्यूला इंटरोशियम मेम्ब्रेन से लेके आ रहा है, और एक एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस है जो कि अपना जो ओरिजिन है वो बिल्कुल यहाँ ये वाले ओरिजिन से ही ले रही है। हमारे पास कौन सी बोन पड़ी हुई है, ये हमारे पास कैल्केनियम बोन पड़ी है, कैल्केनियस है, वो अपना ओरिजिन यहाँ से ले रहा है। तो ये जो दो मसल्स हैं इनके जो टेंडन्स हैं ना ये यहाँ से पास कर रहे हैं बिल्कुल, जहाँ पर ये आपके पास आर्केट आर्टरी है ना वो इनके नीचे से पास कर रही है, ठीक है। और ये जो आर्केट आर्टरी, अब इसकी फेट क्या है, एट द एंड इसने ख़त्म होना है जो लेटरल टार्सल आर्टरीज है ना और जो नीचे लेटरल प्लांटर आर्टरीज हैं, ये उनके साथ एनास्टोमोस बना के एट द एंड इसने ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी कि जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये जो आर्टरी है ना एंड तो हो जाती है, लेकिन यहाँ से हमें कुछ इसकी तीन ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, इन तीन ब्रांचेस के लिए को हम याद करने का तरीका एक डिजिट याद रख सकते हैं, वो है 234 है, यानी कि सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ जो है ना ये मेटाटार्सल आपके पास आर्टरीज है ये बना रही है, और ये जो आगे से थर्ड सेकंड और फोर्थ है मेटाटार्सल आर्टरीज, यहाँ पे तीन वाई बनते हैं, वाई जो होता है ना अल्फ़ाबेट उसकी शेप के स्ट्रक्चर बनते हैं, चाहे वो हैंड हो, चाहे यहाँ पे डोर्सम हो द फुट आ रहा है, और चाहे प्लांटर साइड है नीचे भी आपको ये वाई शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये क्या होता है कि जो मेटाटार्सल आर्टरीज होती है ना वो आती हैं आगे, ये एक जो इसे मेटाटार्सल ब्रांच निकल रही है, सेकंड मेटाटार्सल ब्रांच है ये निकलती है, और आगे जाके ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर यानी कि दो डिजिटल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये जो दो डिजिटल ब्रांचेस है ना ये एडजेसेंट साइड ऑफ दो जो है ना टो की उनको सप्लाई करती है, तो एक यहाँ से इस टो, अब जो ये वाली बोन है या ये जो हमारा सेकंड टो है इसकी मीडियल साइड को सप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो मेटाटार्सल आर्टरी है वहाँ से ब्रांचेज आती हैं, सेकंड को सप्लाई करने के लिए यानी कि जो इसकी लेटरल साइड है उसको सप्लाई करने के लिए सेकंड से ब्रांचेज आती हैं, एंड सो ऑन, यानी कि इस तरह चलता रहता है। यहाँ पे वाई बनते हैं तीन, आप कह लें वाई बना रही है आपके पास डोर्सालिस पेडिस आर्टरी की आर्केट ब्रांच है, और बाकी अभी हम ग्रेट टो की तरफ बाद में इसकी सप्लाई देखते हैं। तो यानी कि यही थी इसकी फेट की, आके डिवाइड हो जाती है जो डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज होती है ना वो प्रोक्सीमली और डिस्टल जो परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं उनके साथ, वो अपने जो नीचे वाली इनके साथ जो है ना प्लांटर आर्टरीज हैं उनके साथ इनको जोड़ने वाली होती हैं, वो जो होती हैं वो होती हैं परफोरेटिंग आर्टरीज, वो सोल से आ रही होती हैं। अब हम देखते हैं जी पहली जो डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है वो किस तरह अराइज करती है, कहाँ पर अराइज करती है, फिर किस किस चीज़ को सप्लाई करती है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि ये जो है डोर्सालिस पेडिस आर्टरी मेन जो मेन आर्टरी है, अब यहाँ पे इससे पहले कि ये सोल के अंदर डिप करती ये एक और ब्रांच दे देती है, ये आपको नज़र यहाँ पे ये सोल में डिप कर गई, लेकिन ये इसने एक और ब्रांच दे दिया जो कि अभी सुपरफिशियली डोर्सल ऑफ फुट की तरफ जा रही है। तो ये जो डोर्सल जो पहली डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी होती है ना ये डोर्सालिस पेडिस आर्टरी के डिप करने से पहले ही एक ब्रांच निकल आती है, और इसका क्या काम होता है कि ये ब्रांच देती है जाके मीडियल साइड द बिग टो, ये इसने ब्रांच दे दी यहाँ पे, ये मीडियल साइड द बिग टो को जा रहा है, और फिर आगे से इसकी जो एक ब्रांच होती है ना वो जो होती है वो डिवाइड हो जाती है फिर एक वाई के अंदर जो कि डोर्सल डिजिटल ब्रांचेज बना देता है एडजेसेंट साइड द फर्स्ट एंड द सेकेंड टो दोनों के लिए, ठीक है।